एक्सरसाइज इलेवन ए का क्वेश्चन नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल्स आर नॉट प्रोबेबली द एंगल ऑफ ट्रेंगल आपको बताना है ये ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा जो है एंगल ऑफ ट्रेंगल नहीं हो सकते तो एक ही बात करें अगर इनका सम करेंगे तो 180 आ रहा है आपको पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रैंगल इज 180 तो ये होगा बी की बात करें इनको भी ऐड करेंगे तो 180 एटी सी के अंदर देखिए इन्हें ऐड करने पर क्या आ रहा है 170 मतलब आपका ऑप्शन क्या है यहां पर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल आर इक्वल देन ईच एक्यूट एंगल इज इक्वल टू आपको बताना है तो यहां पर देखिए लेट द एक्यूट एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेट द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स तो दोनों एक्यूट एंगल क्या हो जाएंगे एक्स एक्स हो जाएंगे ठीक है और आपको पता है राइट एंगल ट्रेंगल है तो थर्ड एंगल क्या होगा नाइन्टी डिग्री और इन सब का सम क्या होता है इक्वल टू वन एटी बिकॉज सम ऑफ द ओल एंगल ऑफ ट्रेंगल इज वन एटी तो यहां पर देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस, प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एक्स प्लस एक्स हो गया आपके पास टू एक्स अब यहां से नाइन्टी प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा वन एटी डिग्री माइनस नाइन्टी और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी बाय टू और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई फोर्टी फाइव ठीक है तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या है यहाँ पे आपके पास फोर्टी फोर्टी फाइव डिग्री एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है फोर्टी फाइव डिग्री नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम आर रिस्पेक्टिवली आपको यहां पर एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है ठीक है अब वही चीज आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बतानी है ऑल एंगल्स ऑफ ट्रैंगल इज वन एटी मतलब एक्स प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव एड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा नाइन्टी डिग्री ठीक है और वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का वन एटी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई नाइनटी डिग्री ठीक है और बाय लीनियर पेयर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी एक्स वहां जाके माइनस का हो जाएगा देन वाई इज इक्वल टू वन एटी माइनस नाइनटी और y भी आपके पास यहां पर क्या आ गया 90 डिग्री ठीक है तो यहां पर आपके पास x और y दोनों की वैल्यू क्या है 90 90 डिग्री नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इक्वल टू आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है अब यहां पर आप दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सबसे पहले अगर अपने बात करें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की सो बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल मतलब 40 तो आपके पास 115 ठीक है अब बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा 40 डिग्री अगेन बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाई इज इक्वल टू फोर्टी प्लस सिक्सटी इट मीन्स वाई आपके पास हो गया हंड्रेड डिग्री ठीक है तो आपको फाइंड क्या करना है एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई मतलब वन हंड्रेड फिफ्टीन प्लस हंड्रेड डिग्री इट मीनस टू हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री आंसर ठीक है तो यहां पर हमने क्या लगाई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइंड द एक्स इन द गिवन डायग्राम तो देखिए एक्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एंगल सी और एंगल एफ फाइंड करना पड़ेगा ठीक है अब वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ट्रेंगल ए बी सी यहां पर जब हम एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री तो एंगल सी देखिए एंगल सी प्लस थर्टी फाइव प्लस टेन वन हंड्रेड फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री यहाँ से 145 जाएगा माइनस में तो एंगल सी इज इक्वल टू वन डिग्री मतलब माइनस वन डिग्री तो एंगल सी आपके पास हो गया 35 डिग्री ठीक है ये तो हो गया आपके पास एंगल सी उसके बाद अपने बात करते हैं एंगल एफ की बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर अपने करेंगे एंगल ई e प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन डिग्रीज तो ई एन डी को जब हम सम करेंगे तो वन हंड्रेड थर्टी डिग्री एंगल एफ इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी माइनस वन थर्टी तो एंगल एफ आपके पास आ जाएगा फिफ्टी डिग्री ठीक है आपके पास एंगल सी आ गया आपके पास एंगल एफ आ गया तो यहां से आप ये वाला जी जो है ठीक है एफ जी सी फाइंड कर सकते हैं तो एंगल एफ जी सी इज इक्वल टू वन एटी माइनस एंगल एफ प्लस एंगल सी एंगल एफ है आपके पास थर्टी फाइव डिग्री एंगल सी आपके पास है आपके पास फिफ्टी डिग्री थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी डिग्री आपके पास एटी फाइव डिग्री तो एंगल एफ जी सी ये हो जाएगा आपके पास नाइन्टी फाइव डिग्री मतलब ये वाला जो एंगल है अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको ये वाला एंगल ये हो जाएगा नाइन्टी फाइव डिग्री और एक्स जो है इसका क्या है वर्टिकली अपोजिट है तो बाय द वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी यहां से आपके पास एक्स इज इक्वल टू एंगल एफ जी सी इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी से वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है देखिए मैं जल्दी से क्विक रिविजन करा देता हूँ सबसे पहले ट्रेंगल लिया ए बी सी यहाँ से हमने सी निकाला फिर हमने एंगल लिया सॉरी ट्रेंगल लिया एफ ई डी यहाँ से हमने एफ फाइंड किया उसके बाद हमने एंगल फाइंड कर लिया एफ जी सी ये वाला और जो कि एक्स के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है यहाँ से हमारे पास एंगल एक्स आ गया जो कि क्या था नाइनटी फाइव डिग्री नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है इलेवन ए अब अपने करते हैं इलेवन बी के अंदर कोई भी एमसीक्यूज नोट्स नहीं है अब अपने करते हैं इलेवन सी डिग्री देखिए मान लीजिए कुछ ट्रेंगल ऐसा था ये वाला एंगल को हम क्या बोलते हैं वर्टिकल एंगल एंड द वन ऑफ द बेस एंगल मेजर इज थ्री टी ठीक है तो देखिए क्या होता है आइसुस केलस्ट के अंदर अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल ठीक है equal, तो ये थ्री टी होगा तो ये भी थ्री टी होगा वैल्यू ऑफ टी इज आपको वैल्यू ऑफ टी बतानी है ठीक है तो ऑफ ट्रगल इज वन एटी तो क्या हो जाएगा थ्री टी प्लस एटीन इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सॉरी वन एटी डिग्री तो यहां से देखिए थ्री टी प्लस थ्री टी सिक्स प्लस फाइव टी इलेवन टी एटीन यहां पर माइनस का, का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा वन एटी प्लस एटीन डिग्री तो इलेवन टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड नाइनटी एट डिग्री तो यहाँ से देखिए इलेवन जाएगा डिवाइड में टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड नाइनटी एट डिवाइड बाय इलेवन और यहाँ पर आपके पास टी आ गया इलेवन बन जा इलेवन और एटीन डिग्री तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है एटीन डिग्री नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द वैल्यू फाइंड द गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है सिंपली आपको देखिए ये का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हैं मतलब अगर ट्रेंगल ए बी डी की तो ये आपका ट्रेंगल है अगेन ये दोनों लाइन भी इक्वल हैं तो मतलब बी सी डी ये भी ट्रेंगल भी आईसोके तो इनके क्या होते हैं जो अपोजिट साइड्स होते हैं अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं अगर ये टू एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा ठीक है और अगर इसकी बात करें एंगल बी डी सी की ठीक है ये एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए एंगल ए एंड बी के लिए तो क्या है बाय द एक्सटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल मतलब टू एक्स प्लस टू एक्स इट मीन फोर एक्स तो ये आपके पास क्या हो गया फोर एक्स हो गया ठीक है अगेन यहाँ पर ये दोनों क्या है इक्वल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मतलब ये भी क्या हो जाएगा थर्टी फाइव डिग्री अब यहाँ पर हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री फोर एक्स प्लस सेवनटी इज इक्वल टू वन हंड्रेड जाएगा माइनस में तो फोर एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री एक्स आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री ये आपका क्या हो गया आंसर. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट एज एबीसी डायग्राम गिवन बिलो इक्वल्स ठीक है आपको ये ट्रैंगल्स आपको एंगल्स बताने हैं. अब देखिए तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हैं इट मीन्स ये एक, एक इक्विलेटर ट्रेंगल है और इक्वीलेटल ट्रेंगल की सभी साइड्स एन इंक्वल इक्वल होते हैं मतलब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा इट मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी थ्री एक्स इज इक्वल टू वन एटी एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिवाइड बाय थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री

क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लेकिन यहां पर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम बेस को भेज देंगे so, आपका ट्वेंटी का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर होता है एट हंड्रेड फोर्टी वन मतलब ट्वेंटी स्क्वायर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस और ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड माइनस करने पर आपके पास आ गया पर स्क्वायर आया है 441 यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट आपको यहां पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेने पर पी की वैल्यू क्या आ गई 21 वन मीटर आप स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहां से अब आप आपको फाइंड ये आपका आंसर नहीं हुआ ठीक है अब आपको फाइंड करना है पैरामीटर तो पैरामीटर देखिए ये आपके पास ये साइड आ गई ये साइड आ गई पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ तो टू इंटू ट्वेंटी हो गया प्लेस अगेंस्ट द वॉल इन सच ए वे दैट द फुट ऑफ द लैडर इज टेन मीटर्स देखिए क्वेश्चन में थोड़ी तो गड़बड़ी है सेंटीमीटर की जगह से मीटर कर लीजिए ठीक है अवे फ्रॉम द वॉल उ ऑफ दॉल इन द अपर एंड ऑफ द लेटर ठीक है आपको लेटर की लेंथ गिवन है ट्वेंटी सिक्स बॉटम से वॉल की डिस्टेंस गिवन है टेन आपको वही परपेंडिकुलर फाइन करना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटे स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हाइपोटेनिस ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर जो कि होता है सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सिक्स टेन का स्क्वायर हंड्रेड माइनस करने पर फाइव हंड्रेड सेगेन टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पर यहां पर आपके पास पी आ गया ट्वेंटी फोर मीटर विच इज नेक्स्ट एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तो ये जो क्वेश्चन नंबर है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसको समझिए जरूर ठीक है अ ट्वेंटी फाइव मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल सच दैट फुट ऑफ द लैडर इज सेवन मीटर फ्रॉम द फीट ऑफ द वॉल ठीक है अब देखिये क्या एक लेडर थी यहां से जो इसकी फीट से जो वॉल की डिस्टेंस है वो कितनी है सेवन है ठीक है तो यहां से आप परपेंडिकुलर फाइन कर सकते हैं तो चलिए इसका पहले सबसे पहले परपेंडिकुलर अपने फाइन कर लेते हैं तो परपेंडिक स्क्र इज हाइपोटे स्क्र माइनस बे स्क्र हाइपोटे ट्वेंटी फाइव और बेस है आपका सेवन ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी का स्क्र फोर्टी नाइन माइनस करने पर आ गया फाइव हंड्रेड से तो यहां पर अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया ट्वेंटी फोर मीटर मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई ट्वेंटी फोर मीटर अब आगे बढ़ते हैं इफ द द टॉप ऑफ डाउन बाय फोर मीटर ठीक है अभी लेडर क्या थी थोड़ी सी डाउन हो गई स्लाइड हो गई अब ये स्लाइड होने पर देखिए यहां से अगर नीचे आएगी तो ये भी खिसकेगा ना अगर इसका टॉप नीचे की तरफ आएगा तो इसका बॉटम भी थोड़ा सा इस तरफ खिसकेगा तो यहां से देखिए हमें क्या करना है अब यहां पर आपको बतानी है कि नीचे से इसका बॉटम कितना किसका हाउ मच डिस्टेंस वोल विल द फुट ऑफ द लेडर विल साइड मतलब ये यह यहां से कितनी खिसकी आपको बताना है ठीक है अगर यहां से यहां तक खिसक गई तो इसके जो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या रह जाएगा ट्वेंटी अब देखिए लेडर की डिस्टेंस जो लेडर की लेंथ है वो ट्वेंटी फाइव की ट्वेंटी फाइव ही रहेगी वो चेंज नहीं होने वाली ठीक है तो यहां पर देखिए इफ द लेटर मीटर माइनस परपेंडिकुलर स्क्र ट्वेंटी है परपेंडिकुलर फाइंड किया माइनस कर दिया उसमें से हमने फोर मीटर तो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो आपके पास बेस स्क्वायर आ गया टू हंड्रेड ट्वेंटी अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट आपके पास बेस आ गया फिफ्टीन मीटर्स मतलब इसके इतने स्लाइड होने से इसके फिट से जो वॉल तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई फिफ्टीन मीटर्स हो गई लेकिन आपको बताने की कि कितना खिसका तो आपको क्या करना पड़ेगा सेवन माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया एट मीटर्स तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके एक जो चैप्टर इलेवन है उसके एम सी क्यूज होट्स और कोई भी क्वेश्चन बकाया नहीं रह गया सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच